आरोग्य जागृति। आज का ये एपिसोड थोड़ा सेंसिटिव है, यानी जिस विषय पर हम या आज की न्यू जनरेशन खुलकर बात नहीं करती, लेकिन छुपकर इसका शिकार हो जाती है। जी हाँ, हम सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे हाथ में रोजमर्रा के जीवन में एक यंत्र आया है जो जितना फायदेमंद है वो उतना हानिकारक भी है, मोबाइल। जी हाँ, इस मोबाइल के कारण पोर्न साइट यानी अश्लील वीडियो को देखकर 12 से 15 साल के बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इस पर दिखाए जाने वाले अति उत्तेजनार्थ अश्लील वीडियो को देखकर बच्चे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। कम उम्र में दिमाग को विचलित करने वाले वीडियो देखने से बच्चे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे बैड हैबिट का शिकार हो रहे हैं, जिसमें अम्ल पदार्थों का सेवन करना, नशा करना, हस्तमैथुन करना, रात रात भर पोर्न वीडियो देखना यानी अश्लील वीडियो देखना। इसके कारण बच्चे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और सेक्स करने की सही उम्र आने पर बच्चे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि न्यू जनरेशन सुसाइड भी कर रहे हैं, शादी करने से डर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी सेक्स को लेकर परेशान हैं तो घबराइएगा मत, ये बीमारी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। ये हमारे दिमाग से जुड़ी हुई साइकोलॉजिकली बीमारी है, यही बता रहे हैं डॉक्टर शेख। डॉक्टर शेख औरंगाबाद शहर का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का एक जाना माना नाम है। पिछले 33 वर्षों से सेक्स इस विषय पर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। अब तक करीब 2 लाख से भी ज्यादा मरीज यहाँ अपना इलाज करा चुके हैं और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो भी नौजवान अपनी सेक्स लाइफ से परेशान है तो वे एक बार डॉक्टर शेख साहब के नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को अवश्य भेंट दे। यहाँ आपकी जानकारी गुप्त रखी जाती है और हाँ, यहाँ हर संडे फ्री काउंसलिंग भी होती है। तो चलिए दोस्तों, आरोग्य जागृति के इस भाग में हम आपको डॉक्टर शेख साहब से ही रूबरू कराते हैं। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। नौजवान जो भटक गया है बैड हैबिट की वजह से, इसके ऊपर डॉक्टर शेख साहब हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करने वाले हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि नौयुवकों में सेक्स का प्रॉब्लम बार बार क्यों आता है। मैं पिछले 33 साल से नौजवान आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चला रहा हूँ और इसमें 90% जो पेशेंट रहते हैं वो सेक्स के रहते हैं। सेक्स में कमजोरी आना या शीघ्र पतन होना या नस कमजोरी या फिर नाइट फॉल होना, ऐसे रहते हैं। आजकल बहुत ज़माना बदल गया है, आजकल मोबाइल का ज़माना बोलते हैं, तो मोबाइल में आजकल ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो सेक्स के ऊपर रहते हैं, जो अश्लील जो बोलिंग है वो ऐसे रहते हैं। वो देख देख के आजकल नौजवान बोले तो आजकल 12-13 साल की उम्र में भी बच्चे वो ऐसे मोबाइल देख रहे हैं, ब्लू फिल्म की जैसे मोबाइल में आते जो, तो उससे क्या हो रहा है कि उनके सेक्स के ऊपर, दिमाग के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर असर हो रहा है। और फिर दूसरा, वो कुछ एक्सरसाइज वो नहीं करते और खाने में भी जंक फूड लेते हैं, उससे भी ताकत नहीं बनती, दिमाग नहीं चलता, नींद बराबर नहीं होती, उससे यानी आजकल की जो पीढ़ी है वो सेक्स में कमज़ोर है। तो मेरी सलाह यही है कि आप हैं तो जब शादी की उम्र होती उस वक्त ही ब्लू फिल्म वो देखे तो चलेगा, उसके पहले नहीं देखना चाहिए। उसके पहले अपना जो काम है, माँ बाप अपने को कॉलेज भेजते, स्कूल भेजते, पढ़ाई करना है और एक्सरसाइज करना, जिस्म बनाना, बॉडी बनाना, खाना पीना जो गौरान जो खाना है, जो घर का खाना है वो खाना चाहिए। आज इस घड़ी में पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है और इनको जो साइकोलॉजिकल कोई पेशेंट लोग इसमें मेंटली भी हो रहे हैं, तो इसके ऊपर इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? आजकल सेक्स के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसके 2-3 वजह है। एक तो कुछ ऐसी गोलियाँ लिख ली है एलोपैथी में कि खाते अपन सेक्स करो, वो लेने से कमजोरी आ रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो गोली जो है टेम्पररी अच्छी है, लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, आगे चल के उससे कमजोरी आती है, हार्ट भी कमज़ोर होता है, जिस्म कमज़ोर होता है, आँखें कमज़ोर होते हैं। और फिर दूसरी वजह सेक्स जो ब्लू फिल्म रहती है वो हर मोबाइल में ब्लू फिल्म है, वो देख देख के भी आदमी का सेक्स कम होते जा रहा है। और उसमें जो बताते हैं ब्लू फिल्म में, अब जैसा किसी को हीरो बनना है तो सबसे पहले चेहरा अच्छा होना चाहिए, वैसे किसी को ब्लू फिल्म में काम करना चाहिए तो इंद्रिय बड़े होना चाहिए। तो इंद्रिय जो बड़े बताते हैं, अपने इंडिया के इंद्रिय 4 इंच के लगभग है पूरे इंडिया में एवरेज, और बाहर जो अफ्रीका के लोग हैं वो
8 इंच 9 इंच रहती हो, तो वो देख देख के अपने यहाँ के लड़के समझते कि हमारा छोटा है, उस वजह से भी उनके सोच की वजह से कमजोरी आ जाती है। अपेक्षा उनकी बहुत बड़ी रहती है, लेकिन वो देख के वो खुद को कमज़ोर समझते। तो मेरा कहना यह है कि अपना जो सभी की आँखें एक जैसी नहीं रहती, कान एक जैसे नहीं रहते, नाक एक जैसी नहीं रहती, लेकिन उन सबका काम एक जैसा है। वैसे उसका भी काम सभी का एक जैसा नहीं रहता, लेकिन एक ही काम रहता उसका कि जैसा वीर्य पतन करना या पेशाब करना या फिर सेक्स करना है। छोटे बड़े से कुछ फर्क नहीं होता है, वो दिल पे नहीं लेना चाहिए छोटे बड़े का। जैसा अपने को भगवान ने दिया है वह उसमें खुश रहना चाहिए। और जैसा खाना पीना जो है अच्छा खाना चाहिए, दूध भी मलाई ज़्यादा खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, इससे ताकत बढ़ती है। नहीं तो आजकल जैसा मोबाइल में देख के कुछ भी जंक फूड खा लेते उससे भी कमजोरी आ जाती है। और आज तो कोविड का ज़माना है, उससे भी डिप्रेशन आ रहा लोगों को। घर में बैठे बैठे कमाई कम हो गई, कहीं जाना नहीं है, मनोरंजन नहीं है, होटल नहीं है, सिनेमा नहीं है, उससे भी सेक्स यानी कम होते जा रहा है। तो वो डिप्रेशन भी नहीं लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि सेक्स का रिलेशन खुशी से है। ऐसा सेक्स का रिलेशन ऐसा दिमाग में है, दोनों टांगों के बीच में नहीं है, दिमाग में है। दिमाग अच्छा रहा तो सेक्स अच्छा रहता। ऐसा नई पीढ़ी जो आज डिप्रेशन का शिकार हो रही है, इसमें सुसाइड के प्रमाण ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके ऊपर सेक्स और सुसाइड इसमें बहुत बड़ा सामंजस्य होता है, तो इसके बारे में हम हमारे नवयुवक को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने। मेरे पास ऐसे 33 साल में हजारों पेशेंट हो गए जो शादी के पहले सुसाइड करना चाहते थे। नौजवान बच्चे जिनकी शादी तय हो गई, बहुत से बच्चे शादी की तारीख नज़दीक आ गए तो भाग गए, हो बाहर गाँव चले गए, बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, कलकत्ता चले गए, वहाँ से उनको पकड़ के लाए फिर उनका इलाज करेंगे। तो उसकी वजह यह है कि ये जैसा मोबाइल जो मैं अभी बताया आपको, मोबाइल देख देख के और फिर हाथ से करके, हाथ से करने करने से नशा कमज़ोर हो जाती है। अब बहुत सी किताबों में या एलोपैथी में ऐसा बोलते हैं कि हाथ से करने से कमज़ोरी नहीं आती, लेकिन उस मराठी में एक मन आती थी कम आती, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होने वाला है। तो बहुत से जैसा कमज़ोर हो जाते हैं और शादी के पहले कोई ट्रायल बोल के जाते तो वहाँ फेल हो जाते हो, तो फिर वो समझते कि अपन में काम के नहीं है, अपन ने सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह देता हूँ कि वैसा घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ इलाज से अच्छी हो सकती है। नहीं ये भी कोई खास ये नहीं है, एक कमज़ोरी है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि सुसाइड करना चाहिए, कमज़ोरी है, महीना दो महीने में कवर हो जाता है। हिम्मत से काम लेना चाहिए और दूसरा खाना पीना अच्छा रखना चाहिए। आखिरी सवाल है, सरकम सीजर जिसे खतना बोलते हैं, इससे और सेक्स का क्या मतलब महत्व है, ये हमें हमारे दर्शकों को बताइए। सरकम सीजन बहुत अच्छी बात है। सरकम सीजन से क्या होता है कि ऊपर ग्लांस के ऊपर जो चमड़ी है वो निकाली जाती है, वो ग्लांस है तो आज़ाद हो जाता और उसकी वजह से उसका पावर बढ़ जाता हो। जिन लोगों का सरकम सीजन नहीं रहता उनका ग्लांस बहुत नाजुक रहता, टच करे तो ऐसा फाल होने का डर रहता ना, इतना उनका ये रहता। 33 साल का मेरा ये तजुर्बा है कि जिनका सरकम सीजन हो गया उनका शीघ्र पतन नहीं होता, और जिनका शीघ्र पतन होता उनका सरकम सीजन नहीं हुआ रहता। यानी सरकम सीजन हुआ तो शीघ्र पतन कम हो जाता, और अगर सरकम सीजन नहीं हुआ तो शीघ्र पतन होता है, ये भी एक खास बात है। और दूसरा सेंसिटिवनेस बढ़ जाता, और दूसरे सरकम सीजन से क्या होता है कि सफाई रहती है, गंदगी नहीं रहती, और सरकम सीजन नहीं हुआ तो वहाँ पे खास प्लेग तैयार होता है, खास घान तैयार होती है जो धोना पड़ती है, अगर नहीं धोए तो खुजली होती है, लाल हो जाता, इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए सरकम सीजन करना अच्छा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपना अपना धार्मिक मामला है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। दर्शकों देखा डॉक्टर शेख साहब ने काफ़ी अच्छा हमें सेक्स के बारे में छोटी और शॉर्ट में अच्छी मालूम दी है। मेरा 33 साल हो गए, 33 साल में 2 लाख के ऊपर पेशेंट हो गए। बहुत सा मुझे शुरू शुरू में ऐसा लगा कि बहुत से पेशेंट को बीमारी नहीं रहती, सिर्फ शंका रहती, इसलिए मैंने शुरू से हर इतवार को शंका पूछने के लिए फ्री चेकअप रखा, यानी उस वक्त फीस नहीं लेता हर इतवार को 33 साल से। तो मेरा कहना यह है कि आपको अगर समझो बीमारी नहीं है, सिर्फ शंका भी है, तो आप कभी भी आ सकते हैं, या फिर आपको जैसा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते होंगे तो इतवार को आइए, तो इतवार को फ्री चेकअप रहता है। और मेरा ये कहना है कि आप हेल्दी फूड खाइए, अच्छा खाना खाइए,
और फास्ट फूड न मत खाइए, मोबाइल ना देखिए, बोले तो काम की चीज़ें देखिए, जो गंदी चीज़ें वो ना देखना। और दूसरी बात है तो एक्सरसाइज करिए तो आपका हमेशा के लिए सेक्स अच्छा रहेगा। और माँ बाप का सुनिए और धार्मिक अपना जो भी धर्म है उसके ऊपर चलिए। और आजकल कोविड शुरू हो गया है ना, तो कोविड में डरना ज़रूरी है। पहले एक कहावत थी कि जो डर गया वो मर गया, आज की कहावत ऐसी है कि जो डर गया वो बच गया।